अब जो टेट्राहेड्रल का एक्चुअल शेप होता है वो क्या होता है, बेसिकली 3D फिगर है टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल मैंने वही ड्रॉ किया हुआ था जैसे कि CH4 का ही, मैंने प्लेन में ड्रॉ करने की कोशिश किया हुआ था CH, जो मीथेन का एक्चुअल शेप रहा था यहाँ पे वो क्या रहा था तुम्हारा इस टाइप का टेट्राहेड्रल। सुनो क्या बोले थे यहाँ पे टेट्राहेड्रल। अब टेट्राहेड्रल का एक्चुअल फिगर क्या रहेगा तुम्हारा इसमें यहाँ पे है, तो मैं अगर दिखाऊं एक मिनट आता हूँ इस पेज पे अभी मैं। तो दिख रहा सब लोगों को स्क्रीन पे है, ये यस सर, तुम्हारा टेट्राहेड्रल का एक्चुअल फिगर है यहाँ पे। ये बेसिकली क्या है 3D में, ये 1 2 3 और एक ये 4, तो बीच में क्या आ रहा है तुम्हारा सेंट्रल एटम जो भी है कार्बन, देखिए CH4 की बात करें तो क्या है कार्बन, और ये तुम्हारा फिर क्या रहेगा इसमें एच 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 जो भी आ रहा है यहाँ पे सराउंडिंग में। तो बेसिकली ये प्लेन में नहीं है, जो कार्बन है तुम्हारा एक ये कार्बन और इसके नीचे ये कार्बन भी प्लेन में नहीं है, ये अगर 3D में सोच रहे हो यहाँ पे तो कार्बन मिडिल में है, ये 1 2 3 तीनों हाइड्रोजन प्लेन में अगर नीचे मान रहे हो इसको, और ये जो हाइड्रोजन है वो अपवर्ड है प्लेन पे। ये तुम्हारा 3D फिगर होता है किसी भी टेट्राहेड्रल का यहाँ पे, बीच में सेंट्रल एटम और बाकी ये चार सराउंडिंग एटम इसमें 1 2 3 4, ये 3D फिगर है। और इसका जो एंगल ये होता है यहाँ पे, ये वाला एंगल यहाँ पे ये क्या होता है तुम्हारा इसमें 109.5, ये भी 109.5। तो कोई भी एक एंगल देखोगे तो वो क्या रहता है इसमें 109.5, ये तुम्हारा क्या रहता है इसमें यहाँ पे 3D फिगर। नेक्स्ट है इसमें, इसमें जो भी एंगल आ रहा था ये भी 109.5, ये भी 109.5, 109.5 और ये 109.5। चलो केस टू स्टार्ट करने से पहले अगर हम देखें इसमें, तो इसमें एक प्लेन ऑफ सिमेट्री वगैरह भी चेक करते हैं तो फिर ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तो वहां पे आता है, क्योंकि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मीथेन है इसमें और भी चीजें देखना रहेगा। बट ठीक है, अभी इसका स्ट्रक्चर याद रखना कि ये क्या रहता है यहाँ पे है टेट्राहेड्रल, ये भी टेट्राहेड्रल, ये भी टेट्राहेड्रल, ये भी टेट्राहेड्रल। अब इसका जो केस टू रहता है यहाँ पे है, केस टू में भी क्या करते हैं एक बॉन्ड पेयर को हटा के एक लोन पेयर को अटैच करता है। एंगल यहां पे मैंने बताया था, इसमें जो एंगल आ रहा है तुम्हारा एच सी एच, ये एंगल की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, इसमें क्या रहा था ये 109.5। ये 3D फिगर है, इसमें जो हर एक हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है यहाँ पे तो उसका एंगल क्या रहेगा 109.5, मैंने पिछले क्लास में बताया भी था। तो केस टू में क्या रहता है यहाँ पे है, इसी में से एक बॉन्ड पेयर को हटा के एक लोन पेयर को अटैच करना। तो नेक्स्ट केस है इसमें AB3 टाइप विथ वन लोन पेयर, AB3 टाइप विथ वन लोन पेयर, या इसी को शॉर्ट में लिखा जाता है AB3L। AB3L बोलने का मीनिंग क्या है, एल एक एल लिखा गया है दैट मीन्स वन लोन पेयर। ये आगे हम जो केस पढ़ेंगे और भी AB2L2 इस टाइप से अगर आ रहा हो वहां पे, ए सेंट्रल एटम, बी सराउंडिंग एटम और एल क्या आ रहा है नंबर ऑफ लोन पेयर। क्लियर है यहाँ पे AB2L2 इस टाइप से आ रहा है यहाँ पे, मतलब जो भी आगे केस होगा। तो एल का अगर एक एल लिखा जा रहा है दैट मीन्स वो वन लोन पेयर, एल टू कहीं पे लिखा जाएगा तो उसका मतलब क्या होगा दो लोन पेयर, और बी जितना आ रहा है वो क्या इंडिकेट कर रहा है सराउंडिंग एटम को, AB3 टाइप विथ वन लोन पेयर AB3L। ये तो हम लोग पिछले क्लास में देख चुके थे, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ यहाँ पे। अब इसमें देखने के जब AB3 टाइप विथ वन लोन पेयर आ रहा है तो
इसका शेप क्या रहेगा यहाँ पे, इस टाइप का जो भी मॉलिक्यूल होगा। यहाँ पे देखते हैं कि ये ए आ रहा हो, बी बी और ये क्या हो तुम्हारा बी, और यहाँ पे क्या आ जाए लोन पेयर। और जब भी हम लोग शेप अगर प्रिडिक्ट कर रहे हैं किसी मॉलिक्यूल से आयंस का, मैंने पिछले क्लास में बता रखा था कि लोन पेयर को क्या करते हैं, हाइड करते हैं। जब लोन पेयर को हाइड कर देंगे, बेसिकली जो टेट्राहेड्रल का फिगर था इसमें, यहाँ पे जो टेट्राहेड्रल का मैंने ड्रॉ किया होगा पिछले लेक्चर में, नोटबुक देखो तुम लोग वहां पे, वो कह रहा था वहां पे बी और एक ये बी। अब इसी में से किसी एक बॉन्ड पेयर को हटा के वहां पे लोन पेयर रखना था, मैंने एक लोन पेयर रख दिया यहाँ पे सेंट्रल एटम पे। अब इसका जब हम लोग शेप देखेंगे, एक्चुअल शेप क्या होगा, जब शेप देख रहे होंगे तो लोन पेयर को हाइड कर देना है, और जब लोन पेयर को हाइड कर देंगे तुम लोग सोच के बताओ किसका शेप क्या रहा होगा। यहाँ पे पीछे से भी कनेक्टेड होगा, यहाँ पे इस टाइप से इसका शेप किस टाइप से दिखेगा तुम्हें, एक ट्रायंगल टाइप से दिख रहा है थ्री में। थ्री में अगर सोचोगे ये क्या हो तुम्हारा, ये पीछे से लाइन में मैच करा रहा हूँ इसमें, ये एक ट्रायंगल बना रहा है यहाँ पे। तो ये ट्रायंगल तो आ रहा है, बट ये ट्रायंगल इसमें बस एक ये ऑर्बिटल, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे इस लोन पेयर को, हम लोग इस टाइप से ये क्यों दिखा रहे हैं बैलून टाइप से, हम लोग यहाँ पे है इसका भी मीनिंग है। तो बेसिकली वो एक ऑर्बिटल को इंडिकेट कर रहा होता है, जो कि एक हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है। तो इसके जस्ट बाद हम जो टॉपिक पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन, जो कि केमिकल बॉन्डिंग टू में ही पढ़ना है। ये जो इंडिकेट करता है एक हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल को, या एक सिंपली मानना कि ऑर्बिटल को इंडिकेट कर रहा है, और ऑर्बिटल आ रहा है तो जनरल इस टाइप से दिखाते हैं यहाँ पे। क्लियर है यहाँ पे, ये क्या रहा है, एक ट्रेंगल तो फॉर्म हो ही रहा है, बट ट्रेंगल अगर बी और बी इसके ऊपर ये आ रहा है, तो एक पिरामिड टाइप का भी बन रहा है इसमें यहाँ पे। इसका जो शेप आता है यहाँ पे उसको बोलते हैं ट्रायंगुलर बाय ट्रायंगुलर पिरामिडल। ट्रायंगुलर पिरामिडल या सिंपली पिरामिडल, पिरामिड टाइप से आ रहा है इसमें एक। नहीं, ये ट्रायंगल इक्विलेटरल यहाँ पे है, बिल्कुल ये इक्विलेटरल ट्रायंगल टाइप से आ रहा होगा, बट ये बी बी और ये बी प्लेन में, और ये ए जो आ रहा है इसके ऊपर है, यहाँ पे पिरामिड टाइप से बना रहा है यहाँ पे। ये जो ट्रायंगुलर पिरामिडल आ रहा है ये पिरामिड टाइप से तुम्हारा आ रहा है, बाकी ये क्या रहेगा बी और बी टाइप से रहेगा यहाँ पे तुम्हारा। इसका सिंपली पिरामिडल से बोलते हैं क्योंकि एक पिरामिड बना रहा होता है, या फिर ट्रायंगुलर पिरामिडल, दोनों बोल सकते हैं जो भी ऑप्शन में। अब इसका एंगल क्या रहेगा यहाँ पे वो तुम्हें बताना है, बॉन्ड एंगल। इस केस में बॉन्ड एंगल क्या रहा था, जब चारों बॉन्ड पेयर ही आ रहा था टेट्राहेड्रल केस में 109.5, अब यहाँ पे तुम्हारा एक लोन पेयर आ गया, इसका बॉन्ड एंगल को सोच के बताओ इसमें क्या होना चाहिए यहाँ पे इन जनरल। लेस देन 109.5, क्यों लेस देन 109.5, क्योंकि लोन पेयर आ जाने के कारण, नहीं अप्रॉक्स 100 तो नहीं बोल सकते हम लोग, बट इतना बोल सकते हैं कि लेस देन 109.5। क्यों लेस, क्योंकि लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन अगर ग्रेटर आ रहा है यहाँ पे है, क्योंकि पॉइंट वो लिख चुके हैं, और बॉन्ड पेयर रिपल्शन लेस होता है, तो ये जब मोर रिपल्शन हो तो यहाँ पे इस साइड ही अट्रैक्टेड हो जाएगा, यहाँ पे कुछ इधर शिफ्ट होगा ये, डेट मीन्स ये जो बॉन्ड एंगल होगा इसके बीच का बी ए बी बॉन्ड एंगल वो लेस देन 109.5 हो जाएगा। एग्जैक्ट वो मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल वेरी करता है, बट इन जनरल हम ये बोल सकते हैं कि लेस देन 109.5। अब इसके एग्जाम्पल की बात करें यहाँ पे, एग्जाम्पल क्या आ जाएगा तुम्हारा NH3 NF3 HCO3 CH3- एटसेट्रा जो भी आ रहा है इस टाइप से यहाँ पर।
अब यहाँ पे एग्जाम में तुम्हें क्या रहेगा, NH3 अमोनिया, अमोनिया का शेप पूछा जाएगा तुमसे, किसका शेप क्या होता है अमोनिया का। तो तुम्हें खुद से सोचना पड़ेगा कि नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 5, 5 में से 3 हाइड्रोजन है, दैट मीन सिंगल सिंगल बॉन्ड बना रहा हो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हमेशा क्या करता है, सिंगल बॉन्ड ही बनाएगा। इसका स्ट्रक्चर क्या आ जाएगा तुम्हारा, N H H H, और एक लोन पेयर भी तो है नाइट्रोजन पे, तो यहाँ पे दिखाना था। तो एग्जैक्टली यही केस तो आ गया, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर एंड नंबर ऑफ लोन पेयर पता चल जा रहा है। अगर वो वहां पे बता पाएंगे कि 3 बॉन्ड पेयर आ रहा है, 3 बॉन्ड आ रहा है, ABC टाइप विथ 1 लोन पेयर, क्लियर है यहाँ पे है। इसका भी शेप क्या आएगा तुम्हारा, 109.5, ये ट्राइगोनल ट्राइंगुलर पिरामिडल या सिंपली पिरामिडल। अब अमोनिया एक काफी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है, इसका जो बॉन्ड एंगल होता है यहाँ पे HNH बॉन्ड एंगल, ये इसका वैल्यू आता है तुम्हारा 107 डिग्री, 107 डिग्री, ये याद रखना है तुम्हें। इसका CH4 मीथेन जो आ रहा था उसका 109.5, उससे इसका कम रहेगा, 109.5 से कम। वो मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल कुछ वेरी करता है, बट इसमें अमोनिया के केस में एंगल क्या रहा था, 107। NF3 का भी शेप क्या रहेगा, पिरामिडल। HCO3 का भी शेप क्या आएगा, पिरामिडल। इसका मैं बता देता हूँ, HCO3 का सोचो कैसे है, XE। ज़ेनॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक एक, और 3 ऑक्सीजन एटम आ रहा है, और ऑक्सीजन न्यूट्रल है तो जनरली कैसा बॉन्ड बनाएगा, डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, तो 8 में से 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में पार्टिसिपेट हो गया, बचा एक लोन पेयर, तो एक लोन पेयर को यहाँ पे दिखा दो यार। और जब भी हम लोग AB3 दैट मीन्स बॉन्ड पेयर की बात करते हैं, सराउंडिंग एटम तो 3 ही है यहाँ पे, HCO3 और एक सेंट्रल एटम और एक लोन पेयर यहाँ पे। इसका भी जो शेप आएगा तुम्हारा क्या रहेगा, पिरामिडल, क्लियर है यहाँ पे, ये HCO3। एक लास्ट आ रहा तुम्हारा CH3 माइनस, नहीं सारे कंपाउंड्स का याद रखने की जरूरत नहीं है, तो मैंने इसमें और बाकी के लिए कोई एंगल याद रखने की जरूरत नहीं है। अमोनिया एक इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल, अमोनिया का याद रखना है तुम्हें, NH3 107। और बाकी अगर लोन पेयर नहीं है सेंट्रल एटम पे तब तो वो फिक्स है, जैसे हम लोग पिछला केस देखे थे, वो रिवाइज भी करो केस 1। केस 1 में जितना भी एग्जाम्पल था लाइक CH4, CCl4, NH4+, SO4-, सबका बॉन्ड एंगल क्या होगा वहां पे, 109.5 डिग्री। तो वेरी कब करता है, जब सेंट्रल एटम पे लोन पेयर भी आ जाए, तो उस केस में कुछ बॉन्ड एंगल डेविएट कर जाता है, क्योंकि बॉन्ड पेयर रिपल्शन कम होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज्यादा होता है, इसलिए यहाँ पे वेरी करता है। तो अमोनिया के केस में तुम्हें याद रखना 107 डिग्री। तो ठीक है इसमें, हाँ बताओ। सर वो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में ज़्यादा होगा सर, उसमें सर ज़्यादा रिपल्शन होता है इसलिए वो कम हो जाएगा ना फिर बिल्कुल, ये क्या होता है यहाँ पे, ये एंगल। लोन पेयर बॉन्ड पे रिपल्शन ज्यादा है, ये अगर ज्यादा तो यहाँ पे ये कम होगा, और ये एंगल अगर यहाँ पे कम हो रहा है दैट मीन 109.5 से कम हो जाएगा ये, इसलिए यहाँ पे 109.5 से कम हो रहा है। यस सर, थैंक यू सर। अब इसमें पूछ रहे सर, इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर इट इज ऑलवेज 3D फॉर ऑल केसेस। देखते हैं यहाँ पे हम लोग, इस दोनों केस में तो ये 3D आ रहा है, बाकी केस में ये क्या रहेगा, यहाँ पे आगे का जो केस आएगा उसमें 2D में भी आ पाएगा, बट ओवरऑल जो यहाँ पे लोन पेयर रहेगा, ओवरऑल अरेंजमेंट लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर वो क्या रहता है, हमेशा 3D रहेगा, बट सिर्फ बॉन्ड पेयर के अरेंजमेंट के बेसिस पे हम लोग शेप बता पाता हूँ उसका शेप क्या होगा। जब शेप प्रिडिक्ट करना है तो उसमें लोन पेयर से कोई लेना देना नहीं है, लोन पेयर एज इट इज वहां पे है, बट मेनली जो बॉन्ड पेयर का अरेंजमेंट है जो कि पिरामिडल टाइप का आ रहा था उसी को देख रहे हैं यहाँ पे। CH3 माइनस, अब तुम्हें सोचना है कि CH3 माइनस का शेप क्या होगा, एग्जाम में तो टाइप लिखा हुआ रहेगा नहीं, तो तुम्हें खुद से सोचना है कि कार्बन जो सेंट्रल एटम है उस पर नंबर ऑफ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर कितना आ रहा है। तो बॉन्ड पेयर कितना रहेगा, हाइड्रोजन आ रहा है वो तो 3 बॉन्ड बनाएगा ही। अब यहाँ पे कार्बन पे कोई लोन पेयर है या नहीं ये सोचो तुम लोग,
यस सर, कितना लोन पे रहोगा? वन कार्बन मंथ पे है तो वन ये इसमें कैसे सोचेंगे, क्योंकि यहाँ पे कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन फोर एक नेगेटिव चार्ज आ गया है, दैट मीन्स एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आया होगा, दैट मीन्स फाइव, फाइव में से थ्री इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, बचा दो इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स एक लोन पे है। यहाँ पर भी थ्री बॉन्ड पेयर विथ वन लोन पेयर आ रहा है, दैट मीन्स यही केस आ रहा है। इसका भी जो तुम्हारा शेप आ जाएगा वो क्या रहेगा, तुम्हारा पिरामिडल, सबका शेप पिरामिडल ही आना। ये सब क्या रहेगा, 109.5 डिग्री से लेस ही रहता है ये सबका, क्लियर आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि एक लोन पेयर आ गया तो वो ज्यादा रिपल्सन होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर, दैट मीन्स बॉन्ड एंगल, और बॉन्ड एंगल कौन से एंगल की बात कर रहे हम लोग यहाँ पर, ये एच सी एच, यहाँ पर भी एच एन एच इस एंगल की बॉन्ड बात कर रहे हैं, जो कि बॉन्ड पेयर आ रहा है वहां पर, उसके बीच का एंगल। ये केस टू था, केस थर्ड तो कॉपी करो यहाँ पे। केस बिल्कुल ये एग्जिस्ट करता है यहाँ पे, ये रियल में एंगल जो होता है ये एग्जिस्ट कर पाता है इतने एंगल पे ही। देखिए अमोनिया आ रहा है, इसका जो एच एन एच एंगल एक्सपेरिमेंटल एंगल है 107 डिग्री, नेक्स्ट है तुम्हारा इसमें केस थर्ड। केस थर्ड क्या हो सकता है, अब एक बॉन्ड पेयर को कम करते जाना है, एबी टू विथ टू लोन पेयर, इसमें क्वेश्चन जो रहेगा मेनली तुम्हारा, क्वेश्चन वो अलग अलग उसमें इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें, कि एंगल कैसे मेजर किया जाता है इसमें, यहाँ पे है स्पेक्ट्रोस्कोपी, अलग अलग टाइप का इसमें इंस्ट्रूमेंट रहता है, तो अपनों के वो नहीं देखना है कि इसके NH3 मॉलिक्यूल का मैनुअली तो दिखेगा नहीं, एंगल कैसे सर मेजर करेंगे इसमें, वो आउट ऑफ सिलेबस है कैसे मेजर किया जाता है, वो अलग पार्ट रहता है वहाँ पे। एक इंस्ट्रूमेंट होता है स्पेक्ट्रोस्कोपी करके, वहाँ पे है उससे जनरली ये सारे मॉलिक्यूल्स जो भी रहता है उसका मेजर कर पाते हैं, बट अपने को बस ध्यान रखना है कि इसका एंगल क्या रहता है यहाँ पे, तो ठीक है पहले कॉपी कर लिया था सब लोग। इसमें मेनली शेप, बॉन्ड एंगल, और इसका ये किस टाइप से शेप जब दिखा रहा है तो वो क्या रहता है वहां पे, बिल्कुल ये एक्सपेरिमेंटल एंगल है, ये जो एंगल है ये एक्सपेरिमेंटल एंगल, ये कैलकुलेशन बेस्ड नहीं, एक्सपेरिमेंट में देखा गया इतने एंगल पे आ रहा है, तो फिर लॉजिक दिया गया कि ये ऐसा क्यों हो रहा होगा, सी एच फोर में 109.5 और इसमें यहाँ पे 107, तो कहीं ना कहीं रिपल्सन के कारण, लोन पे रिपल्सन के कारण ये कम हो रहा होगा। तो केमिस्ट्री में बहुत सारा जो लॉजिक है, बहुत सारा जो रूल बना है, एक्सपेरिमेंटली उसको अलग अलग तरीके से देखा गया और उसके बेसिस पे एक रूल बना दिया गया वहां पर, तो ठीक है आगे बढ़ते हैं। इसमें केस थर्ड, Ab2 टाइप विथ टू लोन पेयर, तो सेंट्रल एटम पे देखना नंबर ऑफ लोन पे, Ab2 टाइप विथ टू लोन पेयर, और वो अंडरस्टूड है कि सेंट्रल एटम पे ही होगा, और इसी को शॉर्ट में क्या लिखते हैं वो यहाँ पे है, Ab2L2, L क्या आ रहा है यहाँ पे, लोन पेयर। अब इसमें देखोगे यहाँ पे, अब जो पिछला केस था, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन पेयर फोर का केस था, तो स्टार्टिंग जो केस वन था वो क्या था, टेट्राहेड्रल, इसी में से जब एक बॉन्ड पेयर को हटा दिए यहीं पे एक लोन पेयर लगा दिए तो वही क्या बन जा रहा था, पिरामिडल। अब इसी में से एक और को हटा देना, एक और बॉन्ड पेयर को हटा देना, किसी एक को और हटा देंगे यहाँ पे, और किसी एक को और हटा देंगे यहाँ पे है, ध्यान से देखोगे इसमें उसका शेप फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे, देखते ट्रायंगुलर, हैं बिल्कुल सही हो तो क्या रहेगा इस टाइप का, ए बी बी, और यहाँ पे क्या लगा दो, लोन पेयर,
और इधर जो एक बॉन्ड पेयर था अभी पिछले केस में, यहाँ पर भी एक लोन पेयर को टेस्ट कर देना। अब क्या रहेगा तुम्हारा इसमें, यहाँ पे है इसका जो शेप आ जाएगा तो लोन पेयर को तो हाइड कर देंगे, तो बचा क्या तुम्हारा बॉन्ड पेयर, कि ये बॉन्ड पेयर आ रहा है यहाँ पे, इसमें जो ये बॉन्ड पेयर आ रहा है तुम्हारा ये किस टाइप का दिख रहा है एक्चुअल में, ये किस टाइप का दिख रहा है, ये किस टाइप का शेप आ गया यहाँ पे, वी शेप या बेंड शेप या एंगुलर शेप, जो तुम लोग पहले पढ़ चुके हैं, किस टाइप का जो भी मॉलिक्यूल्स होगा तो उसका शेप क्या रहता है यहाँ पे, वी शेप या फिर बेंड, इसी को क्या बोलते हैं एंगुलर, जो भी ऑप्शन में दिया रहा है। नहीं ये ट्रायंगल नहीं बन रहा यहाँ पे है, ट्रायंगल ये एक एंगल ही बन रहा है सिर्फ यहाँ पे है, इस टाइप का बीएबी, यहाँ पे ट्रायंगल नहीं होता, ये क्या होता है सिंपली बी शेप इस टाइप का आ रहा है यहाँ पे, और ये इधर भी हो सकता था, कहीं भी हो सकता है, ये बी शेप या बेंड, जब भी इस टाइप से आ रहा है ये क्या बेंड फॉर्म बोलते हैं लोग यहाँ पे, बेंड या एंगुलर। इसका भी बॉन्ड एंगल क्या होगा, इसका भी जो बॉन्ड एंगल लेन रहेगा 109.5 लेस देन 109.5, क्योंकि ये भी जो केस आ रहा है तुम्हारा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर 4 का ही केस है, तो टेट्राहेड्रल से ये एक एक बॉन्ड पेयर को हटा रहे हैं वो यहाँ पे, बट यहाँ पे दो दो लोन पेयर आ गए इस केस में यहाँ पे, एक इन जनरल एक क्वेश्चन भी पूछा भी जाता है यहाँ पे है, चलो तो इसी स्ट्रक्चर को मैं रिड्रॉ कर दूँ, अगर इस टाइप से यहाँ पे ये तुम्हारा बी है, ये बी आ रहा है, एक लोन पे इधर आ रहा हो, एक लोन पे इधर आ रहा हो यहाँ पे, इसको भी एज एग्जाम्पल इसके नीचे नोट कर लोगे। अब इसमें क्या यहाँ पे ये जो एंगल तुम्हारा दिया गया है, ये एंगल हो अल्फा, ये एंगल हो तुम्हारा बीटा, और ये एंगल आ रहा हो तुम्हारा गामा, इसमें तुम्हें बाउंड एंगल का ऑर्डर बताना है, कौन सा एंगल सबसे ज्यादा होगा यहाँ पर, सोच के देखो अल्फा बीटा गामा में, तो सिंपली अनम्यूट करके बताओ, इसमें अलग से टाइप करने की जरूरत नहीं, इसमें मतलब बाकी लोग भी बताओ, अल्फा का सबसे ज्यादा रहेगा, अल्फा सबसे ज्यादा क्यों, अल्फा सबसे ज्यादा क्योंकि अल्फा जो आ रहा है किसके बीच का एंगल है, ये लोन पेयर लोन पेयर, और हम लोग जानते हैं कि लोन पेयर रिपल्सन सबसे ज्यादा होता है, देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर एंड देन बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर, यहाँ पे अल्फा सबसे ज्यादा हो जाएगा, इन जनरल बीटा देन फिर गामा, कैसे ये आ रहा ऑर्डर यहाँ पे, जो हमने पिछले क्लास में पॉइंट पढ़े हुए थे थ्योरी में कि लोन पेयर रिपल्सन ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर, उसके बेसिस पे ये आ रहा है। तो ठीक है यहाँ पे ये आ गया, तो इसका शेप पता चल गया इस टाइप का, बॉन्ड एंगल पता चल गया, इसके एग्जांपल्स कुछ देख लेना यहाँ पे, इसका जो एग्जांपल्स आएगा, तो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो आ रहा है इसका यहाँ पे, वाटर H2S OF2 एटसेट्रा, जो भी इस टाइप से रहेगा यहाँ पे H2O OF2 H2S, ये एक और एग्जाम्पल ICl2+ एटसेट्रा। अब सोचना यहाँ पे, देखिए वाटर का शेप अगर पूछा जाए, वाटर मॉलिक्यूल का, इसको सोचो यहाँ पे कि ऑक्सीजन का अरेंजमेंट फ्रॉम सिक्स, सिक्स में से दो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा, शेयरिंग में पार्टिसिपेट करेगा हाइड्रोजन एटम के साथ, ओ एच एच बच कितना गया, दो लोन पेयर, इस दो लोन पेयर को ऐसे भी दिखा सकते हो सिंपली यहाँ पे, अब बेसिकली ये शेप क्या आ गया तुम्हारा एच ओ एच, ये भी टाइप का ही तो आ रहा है यहाँ पे तुम्हारा, इस टाइप का ही तो आ रहा है यहाँ पे ऑक्सीजन और यहाँ पे हाइड्रोजन, इसका भी शेप क्या रहेगा तुम्हारा, वी शेप या बेंड शेप, क्लियर है यहाँ पे है। अब इसका एंगल जो होता है, वाटर भी एक इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है, इसका जो एंगल होता है 109.5 से तो लेस होता है,
बट इसका जो एक्सपेरिमेंटल एंगल है वो भी ध्यान रखना है यहाँ पे, ये एंगल क्या रहता है 104.5, जो कि अमोनिया से कम रहा था। अमोनिया का कितना आ रहा था 107, अमोनिया से कम क्यों हो जा रहा है, तो अमोनिया में एक ही लोन पेयर था, यहाँ पे दो दो लोन पेयर आ रहा है, इधर से भी रिपल्सन होगा यहाँ पे है, और इधर से भी रिपल्सन होगा इसका, और जब यहाँ पे रिपल्सन होगा इधर से भी रिपल्सन होगा लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में, ये दोनों बॉन्ड पेयर और नजदीक आ जाएगा, दैट मीन्स 104.5 आ जाता है। तो अमोनिया और वाटर का याद रखना है, बाकी किसी मॉलिक्यूल्स का याद रखने की जरूरत नहीं है। उसमें इंजन हम लोग क्या बोल रहे हैं, वहां पे 109.5 से लेस होगा। H2S का भी सेम है, जैसा कि H2O का आ रहा था O के जगह S आ गया है, OF2 में भी सेम रहा था, H के जगह F आ जाता वहां पे। ICl2+ का सोचना है तुम्हें, कि ICl2+ में नंबर ऑफ लोन पेयर एंड नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर अबाउट आयोडीन, वो सोचो, इसमें स्टार्ट करो, एग्जाम में तुम्हें ये टाइप तो लिखा हुआ रहेगा, नहीं तुम्हें बस ICl2+ दे दिया जाएगा। सही है, बिल्कुल, उसमें टू टू आएगा, टू बॉन्ड पेयर टू लोन पेयर, बहुत ही आसान है सोचना। आयोडीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बट वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए सबसे पहले। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, सिक्स, ये सेवन, सेवन में से एक पॉजिटिव चार्ज आए, दैट मीन सिक्स इलेक्ट्रॉन बचा, सिक्स में से दो इलेक्ट्रॉन सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाएगा क्लोरीन, सराउंडिंग एटम है अगर क्लोरीन, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे आई सी एल सी एल, तो सिक्स में से दो इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड में पार्टिसिपेट हो गया आयोडीन का, बचा फोर इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स दो लोन पेयर, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दिखा दो, कहीं भी दिखा दो पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे देखना था इस केस में, तो ये क्या आ रहा है यहाँ पे, यही टाइप को फॉलो कर रहा है, दैट मीन्स ये भी क्या होगा यहाँ पे। बाकी इसमें एंगल अगर पूछा जाए तो इंजन हम लोग बता पाएंगे कि बॉन्ड एंगल लेस देन 109.5 क्या होगा, तो याद रखने की जरूरत नहीं। इसका भी शेप क्या होगा तुम्हारा, पिरामिडल, सॉरी वी शेप, बेंड शेप, एंगुलर शेप, क्लियर है। यहाँ पे है कि कोई मॉलिक्यूल आ जाए तो उसका शेप कैसे सोचना है, तो उसमें पहले लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर निकालना रहेगा, देन वो अपने आप पता चल पाएगी क्या रहेगा वहां पर। तो इलेक्ट्रॉन पेयर फोर में यही केस बन पाता है यहाँ पे। नेक्स्ट है इसमें, अब इसमें और भी कुछ अगर कम करते हो, इसमें एक और बॉन्ड पेयर को कम करते हो, लाइक ए बी टाइप विथ थ्री लोन पेयर, जो कि कोई मॉलिक्यूल आता भी नहीं है, ए बी थ्री विथ ए बी टाइप का अगर आ जाए और नंबर ऑफ लोन पेयर जो भी हो, इसका शेप क्या रहेगा, क्लास में लोग किए हुए हैं, ए बी टाइप आ रहा है, दैट मीन्स दो ही एटम है, डायटोमिक मॉलिक्यूल है, इसका शेप हमेशा क्या रहता लीनियर है, लीनियर, सिंपल है वो, तो हमेशा क्या होगा ये लीनियर, तो केस लेने की फिर जरूरत नहीं है इसमें, केस फोर। अब इसमें इस टाइप का देखो एग्जाम्पल, लाइक ClO-, तो ClO- में जो बेसिकली दो ही एटम ही है, तो इसमें सेंट्रल एटम ऐसा कुछ बोल नहीं सकते यहाँ पे हम लोग, इसका शेप क्या रहेगा, लीनियर, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री, मतलब 180, इसमें तो एक और आता तब तो बॉन्ड एंगल डिफाइन भी होता है यहाँ पे। नेक्स्ट है इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर फाइव, इसमें ये एग्जाम्पल्स ध्यान रखना है, और एग्जाम्पल से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट, उसमें नंबर ऑफ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर अबाउट सेंट्रल एटम कैसे आ रहा है वहां पर, और उसी के बेसिस पे ये शेप प्रिडिक्ट हो पाता है। इलेक्ट्रॉन पेयर फाइव अब इसमें केस फोर देखते हैं, केस फोर भी आगे आएगा यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन पेयर फाइव में केस फोर तक भी जाएगा, बट इस केस में जो इलेक्ट्रॉन पेयर फोर का केस है, इसमें केस फोर अगर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, तो ए बी टाइप का आएगा, और ए बी टाइप का जो रहेगा हमेशा, दैट मीन्स दो ही मोलिक दो ही एटम है उस मोलिक्यूल में, तो हमेशा लीनियर होगा। दो से ज्यादा अगर एटम आ रहा है किसी मोलिक्यूल साइंस में,
तो फिर हम लोग उसका सेप बता पाएंगे कि क्या रहेगा, जो लॉजिक हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर। बाकी इलेक्ट्रॉन पे जब 5 आए तो उसमें केस 4 तक भी जाएगा, देखेंगे अभी हम लोग। नेक्स्ट है इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर 5, इसका फर्स्ट केस है। इलेक्ट्रॉन पेयर 5 का जितना भी केस है सब इंपॉर्टेंट केस है, देखोगे ध्यान से। इसमें केस वन क्या फॉर्म कर सकता है यहाँ पे हम लोग खुद से सोच सकते हैं। अब यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन पेयर 5 का मतलब क्या, यहाँ पे है टोटल 4 केस बन पाएगा इसमें, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। तो बॉन्ड पेयर क्या हो, इसमें 5 बॉन्ड ही आ जाए 0 लोन पेयर हो सेंट्रल एटम पे, 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर, और 2 ही बॉन्ड आ रहा है। दैट मीन्स ये एक ही बॉन्ड अगर आ रहा है दैट मीन्स 2 ही एटम होगा, तभी तो एक बॉन्ड आ रहा है वहां पे। एक बॉन्ड और 4 लोन पेयर का ऐसा कोई केस आएगा नहीं, इसको फिर नहीं लेना। तो इसमें 4 केस बनेगा यहाँ पर इस टाइप से। तो पहला केस क्या रहेगा इसका यहाँ पे, AB5 टाइप, विथ 0 लोन पेयर। इसमें क्या आएगा, AB5। इलेक्ट्रॉन पेयर 5 का मतलब क्या था, और इलेक्ट्रॉन पेयर वर्ड का मीनिंग था पहले क्या, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर को ही क्या बोलते थे वो, इलेक्ट्रॉन पेयर। यही तो था इसमें, इलेक्ट्रॉन पेयर इक्वल टू बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। तो बॉन्ड पेयर 5 लोन पेयर 0, इलेक्ट्रॉन पेयर 5 ही आ गया। या तो बॉन्ड पेयर 4 हो और लोन पेयर 1 हो इलेक्ट्रॉन पेयर 5, बॉन्ड पेयर 3 हो लोन पेयर 2 हो इलेक्ट्रॉन पेयर 5, या तो फिर ये कंडीशन है। क्लियर है यहाँ पे है। तो पहला केस जो रहेगा AB5 टाइप विद 0 लोन पेयर। ऑक्सीजन जब सेंट्रल एटम होगा तो वहां पे क्या रहता है, क्योंकि 2 बॉन्ड ऑलरेडी आ रहा है वहां पे, डबल बॉन्ड बनाना है वहां पे। पिछला केस हम लोग देख रहे थे इसमें, ये ऑलरेडी 2 बॉन्ड बना रहा है यहाँ पे ऑक्सीजन 1 2, तो डबल बॉन्ड फॉर्म एक इधर बना रहा है हाइड्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन के साथ। और हाइड्रोजन या फ्लोरिन अगर सराउंडिंग एटम है वो तो हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाएगा, और दूसरा एटम अगर सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो ऑक्सीजन भी तो सिंगल बॉन्ड ही बनाएगा उसके साथ। इस तरीके से इसमें सोचना है यहाँ पे। नेक्स्ट है इसमें AB5 टाइप विथ 0 लोन पेयर। इसमें देखना है किसका जो यहाँ पे अब आता है इस केस में, यहाँ पे ए ध्यान से देखोगे, इसमें बी अब यहाँ पे ए सेंट्रल एटम और 5 सराउंडिंग एटम आ रहा है यहाँ पे। अब इसका जो शेप होता है यहाँ पे वो कुछ इस टाइप से आ पाता है यहाँ पे, एक मिनट इसको प्रॉपर ड्रॉ करना था यहाँ पे। इसका जो शेप आएगा तुम्हारा यहाँ पे है, तो एक ये ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे। और इसमें जो अब ध्यान दोगे, इसमें जो ए आ रहा है तुम्हारा सेंट्रल एटम वो प्लेन में है, और जो तीनों जो मैंने बी जो आ रहा है जो कि मैं ब्लू कलर से दिखा रहा हूँ यहाँ पे वो प्लेन में यहाँ पे, और इसमें जो मैं ब्लैक से यहाँ पे दिखा रहा हूँ जो एक परपेंडिकुलरली अपवर्ड है प्लेन के, और एक ये परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड है यहाँ पे। तो ए जो सेंट्रल एटम है और ये तीनों बी जो कि प्लेन में यहाँ पे, जो तीनों बी जो आ रहा है इस बी को हम नेम भी देते हैं, इसको बोलते हैं इक्विटोरियल पोजिशन। ये जो बी आ रहा है तुम्हारा वो तो किस पोजिशन पे आ रहा है, इक्विटोरियल पोजिशन पे।
इक्विटोरियल, और ये भी क्या रहा है तुम्हारा इक्विटोरियल पोजिशन, ई का मीनिंग क्या यहाँ पे आ रहा है इक्विटोरियल। इक्विटोरियल पोजीशन ये जो सेंट्रलेटम है और तीनों इक्विटोरियल पोजीशन पे जो बी आ रहा है वो एक प्लेन में है, जबकि यहाँ पे जो बी मैं दिखा रहा हूँ परपेंडिकुलरली अपवर्ड, जो ब्लैक से दिखा रहा हूँ एक परपेंडिकुलरली अपवर्ड और एक परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड, और इसको बोलते हम लोग एक्जियल पोजिशन, ए फॉर एक्जियल। ई का मीनिंग क्या था इक्विटोरियल और ए का मीनिंग क्या है इसमें एक्जियल पोजीशन। क्लियर है यहाँ पे है। अब इस केस में देखना यहाँ पे तुम्हारा इसमें जो शेप आ जा रहा है तुम्हारा इसका जो एक्चुअल शेप रहेगा यहाँ पे, एक तो ट्रेंगुलर आ ही रहा है, अब जो इसमें एक जो बी आ रहा है तुम्हारा इसमें यहाँ पे है जो कि इस प्लेन के परपेंडिकुलरली अपवर्ड है, ऊपर वाला जो बी आ रहा है इसमें, दैट मीन्स ये तीनों बी जो प्लेन में है इसके साथ एक ये पिरामिड बना रहा होगा इस टाइप से यहाँ पे, ये क्या कर रहा है एक पिरामिड फॉर्म कर रहा होगा यहाँ पे। क्लियर और ये इसके साथ यहाँ पे है, देखिए पिरामिड फॉर्म हो रहा है, और ऐसा एक पिरामिड जो प्लेन के डाउनवर्ड है इसके साथ ही इस बी के साथ भी पिरामिड बनाया गया है। इसमें जो शेप आ जाता है इसका ट्रायंगुलर तो आ ही रहा है, और एक पिरामिड ऊपर और एक पिरामिड नीचे, परपेंडिकुलरली अपवर्ड के साथ और एक परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड के साथ, इसका जो शेप आ जाता है ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल। ट्रेंगुलर बाय पिरामिडल, और इसी को शॉर्ट बोलते हैं टीबीपी, ट्रेंगुलर बाय पिरामिडल। ट्रेंगुलर तो ये आ ही रहा था जो प्लेन में ए और तीनों बी आ रहा है, और दो पिरामिड एक डेट में ऊपर और एक नीचे यहाँ पे, इसका बाउंड एंगल क्या रहेगा यहाँ पे कौन बताओगे। अब देखो इसमें दो दो टाइप का बाउंड एंगल सुन लोगे इसमें, अब इसमें जो बाउंड एंगल आता है दो दो टाइप का आ जाएगा, इसमें जो तुम्हारा बी ए और इस बी की बात करूं मैं यहाँ पे ध्यान दोगे बी ई ए और ये बी, ये बाउंड एंगल कितना आएगा बी ई ए बी ई बाउंड एंगल, नहीं ये वाला आता है यहाँ पे है सही है कौशल, ये क्या रहेगा तुम्हारा ये एंगल जो आ रहा है इसमें यहाँ पे है सही है, बाकी लोग का भी सही है तनिष्ठा सही है, अब सही आ रहा है उसका, वो क्या रहेगा इसमें यहाँ पे है ये 120 आ जाएगा, ये सिंपली तुम्हें मानना है कि ये जो ए आ रहा है यहाँ पे है बी बी और ये बी है तुम्हारा इस टाइप से आ रहा है ट्राइगोनल, ये एंगल क्या रहा था सब ये भी 120 ये भी 120 और ये 120 इसी टाइप से आ रहा है, अगर इस दोनों बी को अगर हटा दो जो परपेंडिकुलरली अपवर्ड और डाउनवर्ड आ रहा है तो एक एंगल क्या रहता है इसमें 120 डिग्री भी रहेगा, और ये एंगल की बात करें हम लोग यहाँ पे बी ए ए बी ई, ये एंगल क्या होगा तुम्हारा बी ए एक्जियल सेंट्रल एटम ए और ये बी ई, दैट मीन्स एक्जियल इक्विटोरियल बी, नाइन्टी सही है उसमें नहीं, ये एंगल देखना यहाँ पे ये बीई इस टाइप से आ रहा है तुम्हारा यहाँ पे, ये क्या हो तुम्हारा 90, इसमें दो टाइप के एंगल प्रेजेंट होता है 120 90, बाकी 180 भी बोल सकते हो, 180 किसके साथ होगा बी ए ए बी ए बी ए बी ए जो आ रहा है एक लाइन पे आ रहा है तुम्हें इस टाइप का जो दिख रहा है इसमें यहाँ पे, ये क्या होगा इसमें 180 भी रहेगा, बट इन जनरल हम लोग बोलते हैं 120 और 90। अब इसका मैं इस पेज पे आता हूँ, एक्चुअल में इसका 3D फिगर होता है वो कैसा रहेगा तो वो मैं बताता हूँ यहाँ पे।
एक मिनट वेट करो, इसका जो 3D फिगर है यहाँ पे है। हाँ दिख रहा है सबको यहाँ पे है। इसमें जो तुम्हारा आ रहा है इस केस में, ये ये सर, तुम्हारा क्या आ रहा है ए, और इसमें क्या आ रहा है तुम्हारा ये यहाँ पे। इसमें जो तुम्हारा आ रहा था यहाँ पे ये क्या आ रहा था तुम्हारा यहाँ पे ए, ये क्या तुम्हारा ए, और ये तुम्हारा क्या आ रहा था इसमें बी। विजिबल है सबको? यस सर, ठीक है, ये क्या था ए बी, और ये इक्विटोरियल वाला भी है तुम्हारा, और ये जो आ रहा है तुम्हारा इसमें परपेंडिकुलर, ये तुम्हारा ए बी और बी जो इक्विटोरियल लिखा जा रहा है वो प्लेन में, और ये जो तुम्हारा आ रहा है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ठीक है, तुम्हारा बी एक्स जी एल, और ये क्या आ रहा है तुम्हारा बी एक्स जी एल। अब यहाँ पे तुम्हें बताना है, जिन लोगों को कंफ्यूजन हो रहा था एंगल में, तो यहाँ पे बीई जो इक्विटोरियल का और जो एक्सियल का है, तो ये हमेशा क्या हुआ, ये एंगल 90 डिग्री ही रहना है यहाँ पे। ये एंगल तुम्हारा क्या रहेगा इसमें 90 डिग्री। एक क्वेश्चन यहाँ पे तुम ये सोच के बताओ कि टोटल नंबर ऑफ 90 डिग्री एंगल कितना आ रहा है यहाँ पे। एक एक क्वेश्चन पूछा भी गया है एडवांस में कि टोटल नंबर ऑफ 90 डिग्री बॉन्ड एंगल बताओ, सबको बताओ इसमें टोटल नंबर ऑफ 90 डिग्री बॉन्ड एंगल। सही है, सब लोगों का सही है बिल्कुल। तो क्या रहेगा इसमें 6। तो जब 3D में विजुलाइज करोगे तो फिर चीजें आसान हो जाता है। तो टोटल नंबर ऑफ 90 डिग्री बॉन्ड एंगल क्या रहा है 6। ऊपर वाला जो एक्सियल है तीनों इक्विटोरियल के साथ 90 डिग्री एंगल, और नीचे वाला जो तुम्हारा डाउनवर्ड एक्सियल आ रहा है इसमें ये वाला, ये भी तीनों इक्विटोरियल वाले के साथ 90 डिग्री एंगल। तो टोटल क्या आ जाता है 90 डिग्री एंगल 6। बी ए बी विल बी 180, बिल्कुल वो क्या रहेगा वहां पे, जो बी ए बी आ रहा है वो क्या रहेगा 180 डिग्री होगा। ये जो आ रहा है तुम्हारा ये तो 180 रहेगा यहाँ पे। आई थिंक अब सबको क्लियर है यहाँ पे है। यस सर, तो ठीक है फिर, सो ठीक है, देखते हैं फिर आगे हम लोग यहाँ पे हैं। ये जो AB टाइप का मॉलिक्यूल है काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे है। इसका जो शेप है ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल टीबीपी ज्योमेट्री बोलते हैं यहाँ पे है। तो यहाँ पे एक लिख भी लेते हैं इसमें एक पॉइंट करके कि टोटल नंबर ऑफ 90 डिग्री बॉन्ड एंगल इक्वल टू 6। टोटल नंबर ऑफ 90 डिग्री बॉन्ड एंगल इक्वल टू 6। अब इसके एग्जाम्पल की बात करें, वो यहाँ पर पीसीएल 5, ये क्या रहा है इसमें तुम्हारा पीसीएल 5 या PF5। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है तुम्हारा इसमें पीसीएल 5, देखते हैं पहले इसको देख लेते हैं यहाँ पे। तो पीसीएल 5 जो आ रहा है तुम्हारा इसमें PCl CL CL, तो फास्फोरस और ये तीनों क्लोरीन एक प्लेन में तुम्हारा, ये क्लियर हो। और इसमें जो दो क्लोरीन है जो है कि एक परपेंडिकुलरली अपवर्ड होता है और एक ये डाउनवर्ड होता है, वो डिफरेंट प्लेन में होता है, एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड। ये इसका भी शेप क्या है तुम्हारा PCl5 का, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, और इसमें जो एंगल आएगा 120 90 और 180 भी आप आता है, कितना चाहो तो 180 भी लिख सकते हो यहाँ पे। बी ए और ए बी एंगल जो रहेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखना था तो इसका शेप तो ये आ गया। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये आ जाता है, ध्यान से देखोगे इसमें क्वेश्चन यहाँ पे ये है, शेप तो पता चल गया कि टीबीपी,
अब यहाँ पे जो PCl ए है एक जीएल वाला क्लोरीन और ये इक्विटोरियल वाला क्लोरीन, इक्विटोरियल पोजीशन, तो यहाँ पे जो एंगल आ रहा है तुम्हारा इस केस में, अब उसमें क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि बाउंड लेंथ, तो यहाँ पे जो बाउंड लेंथ है PCl XGL ग्रेटर देन PCl इक्विटोरियल, देखते हैं इसका रीजन अभी हम लोग। यहाँ पे जो PCl XGL बाउंड लेंथ है यहाँ पे है, ये ग्रेटर होता है एज कंपेयर टू PCl इक्विटोरियल। अब इसका रीजन देखना है, क्यों ये स्लाइटली ग्रेटर क्यों होता है, ये इसका रीजन देखोगे कि जो एक्जियल वाला क्लोरीन है कितने क्लोरीन के साथ 90 डिग्री रिपल्सन पे है, एक्जियल क्लोरीन कितने और क्लोरीन के साथ 90 डिग्री रिपल्सन पे है, 3 3। ये जो क्लोरीन आ रहा है एक्जियल क्लोरीन, वो तीनों इक्विटोरियल वाले क्लोरीन के साथ 90 डिग्री रिपल्सन पे होगा, क्लियर है। अब एक क्वेश्चन और बताओगे, अब जो इक्विटोरियल क्लोरीन है ये इक्विटोरियल क्लोरीन कितने क्लोरीन के साथ 90 डिग्री रिपल्सन पे होगा, इक्विटोरियल क्लोरीन कितने क्लोरीन के साथ 90 डिग्री पे आ रहा है, 90 डिग्री पे रिपल्सन कर रहा होगा, तो टू सही है, तो क्या रहेगा उसमें तुम्हारा 2, क्योंकि सिर्फ ये जो क्लोरीन आ रहा तुम्हारा इक्विटोरियल क्लोरीन, वो सिर्फ इसी दोनों क्लोरीन जो कि परपेंडिकुलर अपवर्ड और डाउनवर्ड क्लोरीन था इसके साथ ये 90 बना रहा होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखोगे कि जो एक्जियल वाला क्लोरीन का रिपल्सन होगा वो 90 डिग्री रिपल्सन तीन तीन क्लोरीन के साथ हो रहा है, एच जबकि यहाँ पे जो इक्विटोरियल जो क्लोरीन था उसका 90 डिग्री रिपल्सन सिर्फ दो ही क्लोरीन के साथ हो रहा था, तो 90 डिग्री रिपल्सन कौन ज्यादा फील कर रहा है यहाँ पे, एक्जियल वाला क्लोरीन या इक्विटोरियल क्लोरीन, क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे जो एक्जियल क्लोरीन होगा ये वो एक्जियल वाला, तो और एक्जियल वाला अगर क्लोरीन ज्यादा रिपल्सन फील करता है तीनों इक्विटोरियल के साथ 90 डिग्री पे रिपल्सन पे आएगा, देखिए उसका जो बॉन्ड लेंथ होता है स्लाइटली ज्यादा हो जाता है, पीसीएल एक्जियल का जो बॉन्ड लेंथ होगा वो स्लाइटली ज्यादा होता है एज कंपेयर टू इक्विटोरियल। रीजन क्लियर है यहाँ पे, है रीजन में लिखा नहीं रहा यहाँ पे लैंग्वेज में, बट ये चीजें सोच लो यहाँ पे या साइड में लिखना चाहो खुद से लिख लो, ये जो एक्जियल क्लोरीन है तीन तीन इक्विटोरियल क्लोरीन के साथ 90 डिग्री पे रिपल्सन पे होगा, जबकि इक्विटोरियल क्लोरीन दो एक्जियल क्लोरीन के साथ 90 डिग्री रिपल्सन है, एक्जियल वाला जो क्लोरीन होगा उसका 90 डिग्री रिपल्सन ज्यादा होता है, दैट मीन्स उसका बाउंड लेंथ स्लाइटली ग्रेटर होता है एज कम्पेयर टू इक्विटोरियल। नहीं ये सबके लिए अप्लीकेबल नहीं, वो देखेंगे हम लोग वहां पे, ये जो आ रहा है मेनली PCl5 के लिए आता है यहाँ पे, ठीक सर है। बाकी और भी एक पॉइंट देखोगे, जनरली ये कब अप्लीकेबल हो जाता है, जब यहाँ पे सेम टाइप का सराउंडिंग एटम हो, जब सेम टाइप का सराउंडिंग एटम होता है उसके लिए अप्लीकेबल होता है वहां पे, बाकी और भी देखेंगे अभी एग्जाम्पल इसका। हाँ बताओ, सर दो इक्वेटोरियल क्लोरीन के बीच में 180 डिग्री होगा ना फिर एंगल? वो तो होगा ही, तो मैंने बताया था दो एक्जियल क्लोरीन के बीच में क्या एंगल होगा 180, तो रिपल्सन सबसे ज्यादा सर रिपल्सन अगर इक्वेटोरियल 90 डिग्री का आया तो वो के सबसे ज्यादा रिपल्सन फील करेगा वो। हाँ बताओ क्या पूछ रहे हो, सर इक्वेटोरियल के बीच में भी 180 होगा ना फिर? इक्विटोरियल और किसके बीच में बता रहे हो, इसमें एक इक्विटोरियल और दूसरा क्या ले, दोनों इक्वेटोरियल नहीं दोनों इक्विटोरियल में क्या होगा 180, दोनों इक्विटोरियल का मतलब क्या आ रहा था यहाँ पे तुम्हारा PCl, एक सेल इधर है तुम्हारा और एक सेल इधर है, ये 180 क्यों होगा, ये एंगल 120, ये 120 ये प्लेन में आ रहा और ये 120,
प्लेन के परपेंडिकुलर कौन सा है? एक जेल वाला क्लोरीन, अपवर्ड और डाउनवर्ड? यस सर, क्लियर, थैंक यू सर। तो ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे हम लोग, तो ये पीसीएल फाइव के केस में ये आ पाता है। अब देखो यहाँ पे जो पीसीएल फाइव होता है ये इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है, यहाँ पे काफी रिएक्टिव भी होता है, ये दो पार्ट में स्प्लिट हो जाता है। तो जो फास्फोरस सेंट्रलेटम है और जो तीनों क्लोरीन है, इस तीनों क्लोरीन का बॉन्ड लेंथ इक्वल है, जो इक्विटोरियल वाला क्लोरीन है, ये ब्रेक हो जाता है यहाँ पे PCl3+Cl2। ऐसा कुछ पढ़े भी होगे तुम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम में, ये इक्वेशन बताओ यस या नो? पढ़े हो यहाँ पे है। इसका रीजन क्या है? PCl5 PCl3+Cl2 में ही क्यों ब्रेक होता है? तो उसका रीजन है, ये जो PCl3 है यहाँ पे तुम्हारा फास्फोरस और तीनों इक्विटोरियल वाला क्लोरीन जो कि एक प्लेन में आ रहा था, तो वो एक साथ रहता है, और जो Cl2 जो प्लेन के परपेंडिकुलर अपवर्ड और डाउनवर्ड है, वो एक साथ, ये Cl2 का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता है, और बॉन्ड लेंथ ग्रेटर होने का मीनिंग क्या है? वो वीक बॉन्ड होगा, ये Cl2 के फॉर्म में अलग हो जाता है और ये इक्विलिब्रियम मेंटेन कर पाता है। तो PCl5 काफी रिएक्टिव भी होता है क्योंकि इसमें दो दो टाइप का बॉन्ड लेंथ प्रेजेंट है। यहाँ पे PCl HCl का बॉन्ड लेंथ ग्रेटर होता है और PCl इक्विटोरियल का बॉन्ड लेंथ शॉर्टर आएगा यहाँ पे। क्लियर है ये पॉइंट सबको? यहाँ पे है, इतना कॉपी करो, कुछ और एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे हम लोग अभी। एक इसमें एग्जांपल आता है PF5P। रिएक्शन इसको नोट कर लो यहाँ पे है कि PCl5 जो कि केमिकल इक्विलिब्रियम में भी कई बार लिखे हुए ये रिएक्शन, तो PCl5 इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है जब ये डिसोसिएट होता है यहाँ पे है PCl3+Cl2। ये दो पार्ट में क्यों स्प्लिट हो रहा है? इसका रीजन मैंने बताया अभी कि फास्फोरस और ये तीनों को इक्विटोरियल वाला एक साथ रह जाता है जो कि प्लेन में, और जो प्लेन के परपेंडिकुलर है एक्सियल वाला क्लोरीन वो Cl2 अलग हो जाता है वहां पे, क्योंकि इसका बॉन्ड लेंथ ग्रेटर है, दैट इज वो वीक बॉन्ड होता है। एक एग्जांपल है PF5। तो PF5 का भी स्ट्रक्चर इसी टाइप से होता है, बट ये एक स्पेशल केस है यहाँ पे है। ज्योमेट्री तो इसका भी क्या रहेगा तुम्हारा? ट्राइगोनल, बायपिरामिडल, ये TVP ज्योमेट्री ये आता है, या शेप बोल लो यहाँ पे। तो शेप क्या होगा इसका? ट्राइगोनल बायपिरामिडल। बॉन्ड एंगल भी सेम रहता है, बट यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंटली देखा गया है इसका जो बाउंड एंगल होता है, यहाँ ये बाउंड लेंथ होता है इसका, सबका इक्वल बाउंड लेंथ होता है यहाँ पे, ऑल बाउंड लेंथ आर इक्वल। ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया गया यहाँ पे है, एक्चुअल में जो एक्सपेरिमेंटली होता है यहाँ पे। थ्योरेटिकली अगर देखो तो फिर इसमें भी क्या होना चाहिए यहाँ पे है, PF का जो बाउंड लेंथ है वो स्लाइटली ग्रेटर होना चाहिए, बट एक्सपेरिमेंटली ऑल बाउंड लेंथ आर इक्वल होता है इसमें यहाँ पे। और इसका रीजन ये है यहाँ पे है, यहाँ पे जो साइज होता है इसका क्लोरीन का एज कंपेयर टू क्लोरीन वो स्मॉल साइज का होता है, और जब स्मॉल साइज का होता है तो यहाँ पे ये रोटेट करते रहता है यहाँ पे, इसमें ये अपना पोजिशन चेंज करते रहता है, और जब ये पोजिशन चेंज करता है एक्जियल क्लोरीन इक्विटोरियल बन जाता है, इक्विटोरियल एक्जियल बन जाता है, जिसके चलते इसका बॉन्ड लेंथ इक्वल यहाँ पे रहता है। ये किस स्पेशल केस है PF5, उसको एक अलग से याद रखना है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन ये पूछा भी नहीं जाता है, बट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। तो PF5 एक्सपेरिमेंटली थ्योरेटिकली तो क्या होना चाहिए यहाँ पर भी, ये जो एक्जेल वाला है वो स्लाइटली ज्यादा होना चाहिए, बट फिर एक्सपेरिमेंटली जो देखा गया है तो एक्सपेरिमेंटली ज्यादा करेक्ट माना जाता है वहां पे, कि जो एक्सपेरिमेंटली देखा गया है वो बॉन्ड लेंथ क्या रहा था इसमें इक्वल। और उसका रीजन ये यहाँ पे है कि इसमें जो PF बॉन्ड है वो अपना पोजिशन चेंज करते रहता है, एक्जेल से इक्विटोरियल और एक्जुअल इक्विटोरियल से एक्जेल बनते रहता है वहां पर ड्यू टू रोटेशन।
तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें। यहाँ पे फिर सर बताओ। सर वो पीसीएल में नहीं करता क्या फिर ऐसा नहीं, रोटेशन? इसका रीजन मैंने बताया कि रोटेशन क्यों करता है, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन स्मॉल का स्मॉल साइज के कारण ऐसा पॉसिबल हो पाता है, जबकि क्लोरीन का साइज लार्ज होता है। यस सर। तो ठीक है, आगे बढ़ता हम लोग इसमें। यहाँ तक कॉपी कर रहा हूँ इसको, इसी में से कुछ और एग्जांपल लेता है यहाँ पे। कर ले, कॉपी कर लिया था सब लोग? तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसमें। यहाँ पे बिल्कुल फोरिन एटम एक ही स्पेशल केस है, यहाँ पे ये रोटेट करते रहता है Pr5 में, लेकिन इसे अपना पोजीशन जो रहता है स्मॉल स्मॉल साइज होने के चलते यहाँ पे है। यहाँ पे क्या होगा, रिपल्शन भी ज्यादा होगा, नजदीक नजदीक रहेगा यहाँ पे है, दैट मीन्स यहाँ पे ये रोटेट करते रहता है यहाँ पे। और रोटेशन के कारण बॉन्ड लेंथ क्या रहता है, एक्सियल से इक्विटोरियल बन रहा है, तो बॉन्ड लेंथ इक्वल ही रह पाता है यहाँ पे सबको। नेक्स्ट एग्जाम्पल इसी में, Pf2Cl3 PCl2F3, इस टाइप से यहाँ पे है, इसको भी इस टाइप से लिखो। HCO3F2 OSF4। अब यहाँ पे देखने, सेंट्रल एटम तो एक ही है यहाँ पे, बट सराउंडिंग एटम वो सेम ना हो के डिफरेंट एटम भी हो सकता है। सराउंडिंग एटम ऐसा नहीं कि सराउंडिंग एटम हमेशा सेम रहे। मैंने लिख रखा है यहाँ पे है Ab5 टाइप, दैट मीन्स बी क्या रिप्रेजेंट करता है, सराउंडिंग एटम 5 है। अब वो सेम भी और मैक्सिमम केस में सेम रहता है, बट वो डिफरेंट भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे आ रहा है PCl3F2 PCl2F3 HCO3F2 और OSF4। अब यहाँ पे इसका एग्जाम्पल मैं ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करने से पहले एक रूल होता है यहाँ पे है, उस रूल को नोट कर लोगे। रूल यहाँ पे ये है, समझ लेते हैं इसको पहले, कि यहाँ पे जब सेम टाइप का क्लोरीन आ रहा है यहाँ पे, इसमें तो कहीं पर भी हम लोग क्लोरीन को और एक इक्विटोरियल पे रख पा रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि सेम ही क्लोरीन है। बट इस केस में यहाँ पे क्लोरीन भी और फ्लोरीन भी है, 3 क्लोरीन 2 फ्लोरीन, यहाँ पे किसको एक्जियल पे रखें किसको इक्विटोरियल पे रखें, इसके लिए क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे। इसके लिए एक रूल बना दिया गया यहाँ पे है, और उस रूल को बोलते हैं लोग बेंड्स रूल। देखते हैं, समझते हैं इसको पहले, रूल नोट कर लें यहाँ पे हम लोग, कि जो बेंड्स रूल होता है इसमें यहाँ पे, इसके अकॉर्डिंग द मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम, द मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम द मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम प्रेफर टू स्टे इन द मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम प्रेफर टू स्टे एट द एक्सियल पोजिशन, एट द एक्सियल पोजिशन। एंड व्हाइल लोन पेयर एंड मल्टीपल बॉन्ड व्हाइल लोन पेयर एंड मल्टीपल बॉन्ड प्रेफर टू स्टे एट इक्विटोरियल पोजीशन।
द मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम प्रेफर टू स्टेट एट द एक्सियल पोजिशन वाइल लोन पेयर एंड मल्टीपल बॉन्ड प्रेफर टू स्टेट इक्विटोरियल पोजिशन। अब इसका भी रीजन है यहाँ पे, अब ये एग्जाम्पल हम लोग अभी देखेंगे, बस एक मैंने रूल बताया हुआ यहाँ पे, ये रूल देखते हैं सबका एग्जाम्पल ड्रॉ करता है यहाँ पे, अभी स्ट्रक्चर क्या रहेगा। तो द मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम प्रेफर टू स्टेट एट द एक्सियल पोजिशन वाइल लोन पेयर एंड मल्टीपल बॉन्ड प्रेफर टू स्टेट इक्विटोरियल पोजिशन। अब इसको याद रखना है, इसका भी रीजन होता है कि क्यों ऐसा होता है यहाँ पे है, इसके जस्ट बाद जो हम लोग हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे अभी, तो हम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ने के बाद इसको भी समझ पाओगे वहाँ पे तो क्या रीजन होता है यहाँ पे, बट अभी सिंपली याद रखना है इसको। अब इसके अकॉर्डिंग अगर देखें यहाँ पे ड्रॉ करते हैं इसका स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन पेयर फाइव का ही एग्जाम्पल है सारा, ये फर्स्ट केस का ही एग्जाम्पल है ये सब। अब इसका अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करो यहाँ पे PCl3F2, थ्री एफ टू, यहाँ पे क्या रहेगा तुम्हारा फास्फोरस क्लोरीन 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 और ये तुम्हारा क्या आ जाएगा इसमें एफ और एफ। यहाँ पे जब PCl3F2 आएगा तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा जो मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम है जो कि पता है कि क्लोरीन है, वो तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रो एटम होता है पूरे पीरियोडिक टेबल में जितना भी एलिमेंट्स है, तो क्लोरीन को कहाँ पे रखना है इसमें एक्सियल पोजिशन पे। क्लियर है यहाँ पे है। अब यहाँ पे बॉन्ड लेंथ जो होता है वो उल्टा हो जाता है यहाँ पे। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे पी एफ बॉन्ड लेंथ है ये और ये पी सी एल बॉन्ड लेंथ, साइज किसका ज्यादा यहाँ पे क्लोरीन का, और क्लोरीन का अगर साइज ज्यादा है एज कम्पेयर टू क्लोरीन, यहाँ पे पी सी एल यही ज्यादा यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है यहाँ पे, तो क्लोरीन का साइज ज्यादा होने के चलते जो तुम्हारा बॉन्ड लेंथ होता है यहाँ पे PCl इक्विटोरियल का ही ज्यादा होता है एक्सियल वाले से। सॉरी ये क्या आ गया यहाँ पे रखो, यहाँ पे है, यहाँ पे एक्सियल इक्विटोरियल लिखने की जरूरत भी नहीं है, सिंपली क्या लिख लो यहाँ पे PCl का बॉन्ड लेंथ ग्रेटर एज कम्पेयर टू PF, और इसका जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है वो याद रखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, सिंपली याद रखना कि क्लोरीन का साइज ज्यादा होने के चलते बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा यहाँ पे PCl के बीच का, और ये 200 पिकोमीटर के आसपास होता है यहाँ पे है, तो बस एज ए रेफरेंस लिख लेना यहाँ पे, और ये 159 पिकोमीटर। ये तो तुम्हारा आ गया PCl 3F2 का, अब आ गया तुम्हारा PCl 2F3 सेकेंड एग्जाम्पल PCl 2F3। अब इसमें यहाँ पे तीन तीन क्लोरीन है, और जब तीन तीन क्लोरीन है किसी एक क्लोरीन को तो इक्विटोरियल पे लाना होगा, फिर यहाँ पे एफ सी एल और ये सी एल, यहाँ पर भी वो पॉइंट वैलिड है, तो दोनों जो क्लोरीन हो तुम्हारा कहाँ पे रहेगा एक्सियल पे, अब जो एक क्लोरीन और लाना है तो फिर इक्विटोरियल पे ही लाना पड़ेगा उसको। अब इसमें जो बॉन्ड लेंथ रहता है तुम्हारा, ये PCl तो फास्फोरस क्लोरीन बॉन्ड है, तो क्लोरीन का साइज ज्यादा होने चलते इसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा रहेगा यहाँ पे, तो बॉन्ड लेंथ इसका जो रहता है मैं वैल्यू लिख देता हूँ 200 पिकोमीटर जो यहाँ पर भी आ रहा था। अब यहाँ पे जो PCl एक्सियल वाला आ रहा था इसका वैल्यू क्या था यहाँ पे है 159 पिकोमीटर, तो इसमें भी लिख रहे थे यहाँ पे, बट इसमें जो PF आ रहा है यहाँ पे है ये इक्विटोरियल पोजिशन पे है, इसका बॉन्ड लेंथ कम हो जाता है एज कम्पेयर टू पी एफ एक्जीएल, और इसका ये 153 पिकोमीटर। जब सेम टाइप का होगा तो यहाँ पे इसका कम हो जाता है इक्विटोरियल वाले का, जो कि PCl5 के केस में हम देख चुके हैं। वैसे ये दोनों एग्जाम्पल थोड़ा हट टफ क्वेश्चन पूछेगा, तभी ये पूछा जाता है कि PCl3F2 और PCl2F3 का क्या रहेगा। इन जनरल जो पहले हम लोग पिछले पेज पे देख रहे थे एग्जाम्पल, इसी से पूछा जाता है PCl5, बट ये भी ध्यान रखना है कि बेंड्स रूल भी होता है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग एटम्स को प्लेस कर पाते हैं कि किस पोजीशन पे रहेगा। एक HCO3F2,
अब Xc O3 F2 इसी का एग्जांपल है ये। इसमें बॉन्ड पेयर कितना आ रहा है यहाँ पे सेंट्रल एटम पे और लोन पेयर पे कितना आ रहा है यहाँ पे वो सोच के बताओ। जेनॉन पे नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर जीरो लोन पेयर। सही है, 0 लोन पेयर 5 बॉन्ड पेयर। अभी तुम लोग केस भी पढ़ रहे हैं भाई, बट एग्जाम में आएगा सोचना पड़ेगा कि जेनॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाएगा क्लोरीन के साथ, बचा 6 इलेक्ट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन 3 ऑक्सीजन एटम के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, दैट मीन्स 8 बॉन्ड बना पाएगा। बट उसमें बॉन्ड पेयर कितना, जो सिग्मा बॉन्ड पेयर आ रहा है तो सिग्मा बॉन्ड पेयर क्या था 5। उसका जो स्ट्रक्चर रहेगा तुम्हारा Xc F F, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कहाँ पे जाएगा तुम्हारा एक्सियल पोजिशन पे, और जो तुम्हारा लोन पेयर या मल्टीपल बॉन्ड है वो कहाँ पे जाएगा तुम्हारा इक्विटोरियल पोजीशन पे, ये तुम्हारा आ जाएगा स्ट्रक्चर। क्लियर है यहाँ पे सबको? तो Xc O3 F2 का यही स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है मुझे यहाँ पे, ट्राइगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री तो है बट इसका एग्जैक्ट स्ट्रक्चर इस टाइप से आएगा अकॉर्डिंग टू बेंट्स। तो लोन पेयर हो या फिर मल्टीपल बॉन्ड हो उसको कहाँ पे प्रेफर करता है, कहाँ पे उसको रखना है इक्विटोरियल पे, और जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उसको एक्सियल पोजीशन पे। एक लास्ट बच गया तुम्हारा OsF4। OsF4 में सेंट्रल एटम कौन सा होगा, ऑक्सीजन या सल्फर? सल्फर सल्फर, बिल्कुल सल्फर करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है वो सल्फर सल्फर, क्योंकि सल्फर मोर नंबर ऑफ बॉन्ड बना पाता है तो क्या होगा S। अब देखना कि यहाँ पे सल्फर जो आ रहा है वो डबल बॉन्ड बनाएगा तुम्हारा, तो ये क्या रहेगा फ्लोरीन, फ्लोरीन डबल बॉन्ड O। बाकी जो क्लोरीन फिर तो कोई ऑप्शन बचता नहीं तो इसको भी रखना पड़ेगा यहाँ पे, बट डबल बॉन्ड यहाँ पर भी कहाँ पे रहेगा तुम्हारा इस पोजिशन पे इक्विटोरियल पे। इसका भी जो तुम्हारा शेप आएगा वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ही आएगा, डबल बॉन्ड है ठीक है, बॉन्ड एंगल कुछ वेरी करेगा यहाँ पे है, बट फिर भी जो जो शेप आएगा तुम्हारा वो क्या रहेगा इसमें TBP ट्राइगोनल बायपिरामिडल। ये वाला एग्जांपल तो कई बार एडवांस में पूछा हुआ है, तो जितना भी मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कहीं ना कहीं जेई मेंस का बहुत सारा पेपर होता है तो कहीं ना कहीं एग्जाम में वो आया हुआ है वो। तो एग्जाम्पल को नहीं रटना, उसमें से नंबर ऑफ बाउंड पेयर जो सिग्मा बाउंड पेयर एंड लोन पेयर उसको कैलकुलेट करने के लिए आना चाहिए। तो ठीक है, ये तो हम लोग केस 1 देख रहे थे, केस 2। हाँ मल्हार बताओ। सर, ये जो ऑक्सीजन है वो बिल्कुल किसी भी इक्वेटोरियल पोजीशन पे रख सकते हैं ना? बिल्कुल, कहीं भी रख सकते हैं आप, ऐसा नहीं कि मैं इधर ही, क्योंकि वो तीन यहाँ पे दिखा रहा हूँ तो लगता है कि डिफरेंट टाइप का, बट एक्चुअल में देखो तो वो लगेगा तुम्हें सेम ही टाइप का वो। लेकिन मान लो कि यहाँ पे PCl है, इस टाइप से दिखा लो या इधर Cl दिखा लो, यहाँ पे है Cl, तो तीनों के बीच का एंगल क्या है 120, तो तीनों को तुम्हारा इक्विवेलेंट है। इसी तरीके से यहाँ पर भी किसी भी इक्विटोरियल पे दिखा दो डबल बॉन्ड को, यस सर। चलो ठीक है, इसको कॉपी करो, आगे बढ़ते हैं वो। इसमें नेक्स्ट केस है, केस 2। केस 2 तुम्हारा खुद से बताओ इसमें किस टाइप का रहेगा। एक बॉन्ड पेयर को हटा के एक लोन पेयर रखना है वहां पर, इलेक्ट्रॉन पेयर 5 का ही केस रहेगा ये। AB4 टाइप विथ वन लोन पेयर। सही है बिल्कुल, वो क्या रहेगा Ab4 टाइप विथ 1 लोन पेयर। कॉपी तो कर लिया सब लोग यहाँ तक। ये एंगल, ये जो मैं बाउंड लेंथ लिख रहा हूँ उसको याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एज ए रेफरेंस इस टाइप से होता है यहाँ पे, और बाकी याद ये रखना है कि PCl क्लोरीन का साइज लार्ज होने के चलते ये बाउंड लेंथ ज्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू PF, कहीं भी आ रहा हो। नेक्स्ट है इसमें केस 2।
अब देखो सीखने का सबसे बेस्ट यहीं पे रहता है, 11th 12th में प्रॉपर टाइम होता है, यही बेस्ट थ्योरी। जब तो तुम्हारा टारगेट बैच होता है, जो रिपीटर बैच होता है तुम्हारा, मतलब जो भी 12th के बाद भी एक बार एडवांस में दो चांस होता है, उसके बाद भी जो अटेम्प्ट करते हैं, मतलब एक और अटेम्प्ट लेते हैं वहाँ पे बच्चे हैं, तो वहाँ पे टाइम कम टाइम में होता है। 2 साल का जो कोर्स होता है 11th 12th का, उसको 1 साल या उससे भी कम टाइम होता है वहाँ पे। तो वहाँ पे बेस्ट थ्योरी शॉर्ट में ही वहाँ पे, मतलब ना डिटेल में वहाँ पे नहीं हो पाता है। जो 11th 12th होता है, जो कि प्रॉपर टाइम होता है, तो डिटेल में समझ सकते हो चीज़ों को, क्योंकि यहाँ पे अपने पास प्रॉपर टाइम है, और तुम लोगों का अर्ली बैच है तो और भी टाइम का कोई कमी नहीं है, तो प्रॉपर हम लोग चीज़ों को समझ पाते हैं। AB4 टाइप विथ वन लोन पेयर, इसी को शॉर्ट में लिखना है, जो कि तुम्हारे बुकलेट में दे रखा है शॉर्ट में। शॉर्ट में क्या लिखोगे? AB4L। इवन NCERT बुक में भी तुम्हें इसी पैटर्न पे दिया हुआ है, बट ठीक है, मीनिंग समझ में आना चाहिए कि एक सेंट्रल एटम, 20 सराउंडिंग एटम और एक लोन पेयर, एक L का मीनिंग। अब यहाँ पे ये भी काफी इंपॉर्टेंट केस है, समझ लोगे इसमें। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है, ये जो तुम्हारा आ रहा था इसमें AB5 में जो केस आ रहा था यहाँ पे, अब इसी में से किसी एक बॉन्ड को हटा के एक लोन पेयर लाना है। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे है, और इसका जो एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल होता है, मैं अगर उसको ले लूँ पहले, यहाँ पे है SF4। तो SF4 में सल्फर आ रहा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, 4 बॉन्ड बनाएगा, बचा 2 इलेक्ट्रॉन, दैट मींस एक लोन पेयर, यही केस आ रहा है। इसमें जब देखोगे AB SF4 में, इसी में डायरेक्टली अगर सोचो यहाँ पे सेंट्रल एटम सल्फर, अब इसमें क्या होगा? फ्लोरीन आ रहा है यहाँ पे तुम्हारा। अब देखें जो फ्लोरीन आ रहा है इस केस में और एक लोन पेयर, तो वो लोन पेयर को कहाँ पे प्लेस करें? देखोगे ध्यान से, तो मैं यहाँ पे प्लेस कर लेता हूँ F F F, और ये F, ये लोन पेयर किस पोजीशन पे है? एक्सियल पे। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या यहाँ पे है, ये किस पोजीशन पे आ जाए तुम्हारा? एफ एफ एफ, और एक लोन पेयर तुम्हारा इक्विटोरियल पे आ जाए। तो दोनों में से कौन सा स्ट्रक्चर करेक्ट रहेगा यहाँ पे, वो देखना है यहाँ पे, सोचोगे ध्यान से, क्योंकि ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि ऑप्शन दे दिया था कि कौन सा करेक्ट शेप रहेगा यहाँ पे। तो फर्स्ट वाले में, और इसको मैं सेकंड बोल रहा हूँ यहाँ पे, है सही है, मलार सेकंड वाला ही करेक्ट रहेगा वहां पे है, वो तो लॉजिक देख रहे थे यहाँ पे, बट इसका जो लोग बेंड्स रूल था उसके अकॉर्डिंग अगर सोचो तो सेकंड करेक्ट है, बट इसका एक लॉजिक और भी है। कैसा क्यों होता है कि यहाँ पे फर्स्ट में जो लोन पेयर आ रहा है, ये लोन पेयर कितने फ्लोरिन के साथ 90 डिग्री रिपल्सन कर रहा होगा? 90 डिग्री रिपल्सन पे होगा ये लोन पेयर, थ्री थ्री तीनों जो इक्विटोरियल फ्लोरीन उसके साथ 90 डिग्री रिपल्सन करेगा ये लोन पेयर। और सेकेंड स्ट्रक्चर में जो लोन पेयर आ रहा है, ये लोन पेयर कितने फ्लोरीन के साथ 90 डिग्री रिपल्सन पे होगा? टू टू। तो यहाँ का लोन पेयर 90 डिग्री रिपल्सन पे जो फ्लोरीन है, सिर्फ इसी दो फ्लोरीन के साथ आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ का फ्लोरीन तीन तीन फ्लोरीन के साथ 90 डिग्री रिपल्सन होगा, इसमें मोर रिपल्सन होता है, ये एक्चुअल शेप नहीं बताया। एक्चुअल शेप कौन बताएगा? जहाँ पे रिपल्सन क्या हो, मिनिमम हो, जो अपना स्टेटमेंट था बेस्ट थ्योरी का, दैट मीन्स यही शेप को फिट करता है ये, यहाँ पे बस समझने के लिए था यहाँ पे। अब इसका शेप किस टाइप से आ रहा था वो तुम्हें बताना है यहाँ पे। तो यहाँ पे जब शेप देखोगे, इस लोन पेयर को हाइड कर दो यहाँ पे है, तो सिंपली यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारा, स्टेप्स में अगर AB के फॉर्मेट में बनाओ यहाँ पे, AB B, और ये एक लोन पेयर यहाँ पे। तो लोन पेयर जो रूल था बेंड्स रूल, उसके अकॉर्डिंग भी क्या आ रहा था? लोन पेयर कहाँ पे रहेगा? इक्विटोरियल पोजीशन पे, जो कि आ रहा है यहाँ पे, और उसके पीछे का लॉजिक क्या था वो भी मैंने अभी एक्सप्लेन किया। रीजन सबको क्लियर है? एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ यहाँ पे, कि यहाँ का जो लोन पेयर है फर्स्ट स्ट्रक्चर में, ये तीन तीन फ्लोरिन के साथ 90 डिग्री रिपल्सन पे होगा, जबकि अगर इक्विटोरियल पे रखा जाए लोन पेयर को, तो वो सिर्फ दो ही फ्लोरिन के साथ 90 डिग्री रिपल्सन पे होगा।
दैट मीन्स ये यहाँ पे लेस रिपल्सन होगा और यहाँ पे मोर रिपल्सन, तो जहाँ पे रिपल्सन मिनिमम होगा वही एक्सेप्टेबल स्ट्रक्चर होता है वहाँ पे। अब इसका शेप बताना है तुम्हें क्या रहेगा शेप, लोन पेयर को ऐड करोगे भी बाय पिरामिडल बोल सकते हो, बट इसका एक्चुअल यहाँ पे क्या है, इसी डायग्राम को अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूं, देखो यहाँ पे इसी को 90 डिग्री से रोटेट कर दो तुम, और इसको जब 90 डिग्री से रोटेट कर दोगे ये कुछ इस टाइप का दिखेगा तुम्हें, ये आ रहा है तुम्हारा एक इधर और एक इधर से आ रहा है तुम्हारा ये, बिल्कुल जहां पे रिपल्सन मिनिमम होगा, तो रिपल्सन जहां पे मिनिमम होगा वही तो एक्सेप्टेबल स्ट्रक्चर रहेगा, इसमें रिपल्सन 90 डिग्री रिपल्सन कम हो रहा है यहाँ पे, दैट मीन्स ये एक्सेप्टेबल है। इसका शेप कौन बताओगे किस टाइप का आ रहा है यहाँ पे है? एक इंटरेस्टिंग है यहाँ पे है पाई शेप, नहीं पाई शेप इसको नहीं बोलते यहाँ पे है। अब मान लो जैसे कि कभी क्या बोलते हैं इसमें बच्चों का ये कुछ रहता है यहाँ पे है, कभी गए होगे वैसा, तो एक इधर अगर एक किसी एक, चलो मैं यहाँ पे थोड़ा एक इधर बैठा दो यहाँ पे है, सीसॉ ये क्या तुम्हारा, अब सीसॉ बिल्कुल सही है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है तुम्हारा वो क्या रहेगा सीसॉ, ऐसा ही तो रहता है, एक बच्चे को इधर बैठा दो एक बच्चों को, इसका जो स्ट्रक्चर ये शेप जो आ जाता है इस टाइप का वो शेप क्या रहता है तुम्हारा सीसॉ, और सीसॉ का हिंदी में मीनिंग अगर देखोगे डिक्शनरी मीनिंग तो निकालता है बच्चों का झूला, ये बच्चों का झूला ही आ रहा है तुम्हारा, सही सबका, वो क्या रहेगा इसमें सीसॉ, इसका जो शेप रहा था वो क्या रहेगा तुम्हारा सीसॉ। अब देखना यहाँ पे, अब इसमें जो रहेगा तो ये तो इक्विटोरियल पे आ गया लोन पेयर, अब ये लोन पेयर ये जो प्लेन आ रहा है यहाँ पे तुम्हारा ये कहाँ पे है, इक्विटोरियल पे, और ये जो क्लोरीन है तुम्हारा ये किस पोजीशन पे है, एक्सियल पे, तो यहाँ पे भी जो बॉन्ड लेंथ होता है तुम्हारा, अब ये एक लोन पेयर आ जाने के कारण ये रोटेट नहीं होने देगा पूरे, यहाँ पे बॉन्ड लेंथ जो रहा था तुम्हारा स्लाइटली, जो थ्योरेटिकल हम लोग पहले भी पढ़े थे एस पी एफ बॉन्ड लेंथ, सॉरी एस एफ एक्सियल, ए का मतलब क्या सिंपली एक्सियल, ग्रेटर होगा एस एफ इक्विटोरियल, क्योंकि एक्सियल का बॉन्ड लेंथ स्लाइटली ज्यादा रहेगा क्योंकि यहाँ पे कोई रोटेशन पॉसिबल नहीं है, इसका शेप याद रखना है वो क्या रहेगा इसमें यहाँ पे सीसॉ, बॉन्ड लेंथ इस टाइप से रहेगा एस एफ फोर का, और इसके बॉन्ड एंगल की बात करें यहाँ पे हम लोग, तो यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होगा वो क्या रहेगा तुम्हारा लेस देन 120 और लेस देन 90, क्योंकि लोन पेयर आ जाने के कारण एग्जैक्ट 90 और 120 पे नहीं रह पाएगा ये, सिंपली क्या बोलेंगे यहाँ पे लेस देन 90 लेस देन 120 एंड लेस देन 180 भी अगर एग्जियल वाले की बात करें, तो पिछला जो केस था उसमें बस यही याद रखना है कि एग्जैक्ट 90 और 180 पे एक भी नहीं रह पाएगा, क्लियर है यहाँ पे है, ये बॉन्ड एंगल लेस देन 90 और 120 और ये शेप सी सॉ, और इसमें लोन पे वो कहाँ पे प्लेस करना है तो वो क्लियर हो यहाँ पे, इसका मेनली एक यही एग्जांपल इंपॉर्टेंट रहता है एस एफ फोर, बाकी इसका कुछ और एग्जांपल देखोगे एक और लिख लोगे यहाँ पे एस एफ फोर के अलावा है एक्स ई ओ टू एफ टू, और इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो तुम लोग खुद से क्या रहेगा एक्स ई ओ टू एफ टू का, अब इसको सीसॉ बोला जाता है या मैक्सिमम जगह तो सीसॉ मिलेगा, या कहीं पे अगर ये वर्ड भी आता है डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, क्योंकि टेट्राहेड्रल का बोलता था जब फोर बॉन्ड पेयर था, यहां पर भी फोर बॉन्ड पेयर आ गया, बट एक लोन पेयर आ जाने के कारण एग्जैक्ट टेट्राहेड्रल नहीं हो पाएगा, तो
वो क्या हो जाता है डिस्टॉर्टेड ट्राइगन, बट ये रेयर कहीं पे दिया होता है स्ट्रक्चर, मेनली क्या रहेगा तुम्हारा सी सॉल्ट, बट ये भी वर्ड आ जाए कहीं पर इसका मतलब ये क्या आ गया नया आ गया इसमें, तो ये नहीं सोचना है। ये सी सॉल्ट को ही क्या बोला जाता है डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। तो फोर बॉन्ड पेयर था तो टेट्राहेड्रल, अब एक लोन पेयर भी आ गया एक्स्ट्रा, तो क्या हो जाता है डिस्टॉर्ट कर जाता है डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। HCO2, F2 का शेप क्या होगा, सोचने का तरीका क्या है, यहाँ पर भी जेनॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, दो क्लोरीन आए, दो ऑक्सीजन आ रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा और क्लोरीन मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम, वो कहाँ पे जाएगा तुम्हारा एक्जियल पोजिशन पे, डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड और एक लोन पेयर, ये भी तुम्हारा क्या आ रहा है सी सॉल्ट। हाँ अब ये क्वेश्चन देखोगे इसमें वो जो क्वेश्चन कर रहे थे केमिकल बॉन्डिंग 1, उसमें एक्सरसाइज 3 का पार्ट 2 ऑनलाइन में क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 5, याद है कौशल तुम्हारा डाउट था, बाकी सब लोगों का डाउट होगा, वो क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 3 पार्ट 2 यस सर। ऑनलाइन, वहां पे आ रहा था कि किसका बॉन्ड लेंथ डिफरेंस होगा वहां पे, और उसमें एक ऑप्शन था SF4 भी, तो SF4 वाले ऑप्शन का जो बॉन्ड लेंथ है वो यहाँ पे डिफर करता है, वो ये SF एक्जेल वाले का बॉन्ड लेंथ स्लाइटली ग्रेटर होता है और ये लेस होता है, ये इक्वल बॉन्ड लेंथ नहीं है यहाँ पे, तो वहां पे आंसर क्या आ जाता है वो SF4, जबकि बाकी का जो बॉन्ड लेंथ है वो इक्वल रहेगा वहां पे। तो ठीक है यहाँ तक ही रखते हम लोग, इसको लास्ट एग्जांपल इसको नोट कर लो, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम लोग। नहीं जो अब 3D में आता है तो उसको 3D में ही सोचना है, उसको 2D में सोचो कि रॉन्ग हो जाएगा। ये क्या यहाँ पे तुम्हारा 3D फिगर है जिसमें एक्सियल प्लेन के परपेंडिकुलरली अपवर्ड और ये डाउनवर्ड, HCO2 भी एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल, इसको भी याद रखना इस टाइप से यहाँ पर। चलो अभी होमवर्क कुछ नहीं है इसमें, क्योंकि अभी हम लोग एक लेक्चर और लगेगा बेस्पर थोरी में, एक लेक्चर में बेस्पर थोरी कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद इसके भी क्वेश्चन कर पाओगे। कर लिए कॉपी कर लिया था सब लोग, तो ठीक है फिर मैं सेशन एंड करता हूँ फिर यहीं पे आज। सर वो मतलब डबल वन का पूछ रहा था मैं। हाँ बताओ डबल वन में क्या पूछ रहे थे, कि किसी भी इक्विटोरियल पे रख सकते हैं इसको, ऐसा नहीं कि इसी साइड में, क्योंकि ये तीनों इक्विवेलेंट ही होता है, वो दिखाने के लिए शायद लगता है, बट डबल बॉन्ड को इधर रखना है तो इधर रखो, यहाँ पे जहाँ भी रखना है, बट इक्विटोरियल एक्जियल पे नहीं रखेंगे, एक्जियल पे हमेशा मोर इलेक्ट्रॉन एटम जो कि क्लोरीन वही रहेगा, बाकी तीनों जो यस सर। इक्विटोरियल पोजिशन उसमें लोन पेयर डबल बॉन्ड को जहाँ पे मन करे रख सकते हो, वो सेमी इक्विवेलेंट पोजिशन ही होता है। तो यस ठीक सर है थैंक यू सर। ओके।